difference between central bank and commercial bank. Central bank is apex banking and monetary institution. हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. इट इज इंस्टीट्यूशन कंट्रोलिंग ऑल द अदर बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक्स आर इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी. सो अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सेंट्रल बैंक. एंड इट डील्स विद अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस. जबकि कमर्शियल बैंक्स आर इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी. सेकेंड पॉइंट, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है? पैसा कमाना है क्या? नहीं. कंट्रोल, रेगुलेट, स्टेबलाइज बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. पूरी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, स्टेबलाइज करना, ये काम है सेंट्रल बैंक का. मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? अब कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पीपल से डील करता है. सो इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड लेंड लोन्स. इसमें मेन फंक्शन में पैसा कैसे कमाया जाता है? दिस इज कमर्शियल बैंक. ओके, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है. मिस्टर ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो जाके बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और उस पे उनको 4% इंटरेस्ट बैंक देती है. तो एग्जाम्पल, 1 लाख डिपॉजिट किया तो साल के एंड में 4,000 उनको मिल गया. अब मिस्टर बी को पैसे की ज़रूरत है, तो ए ने ले जाके बैंक के पास पैसा रखा. बैंक ने बी को एज लोन दे दिया with, for example, say 9% interest. So 1 lakh B को चाहिए था, वो दिया. 9% interest लेगी bank. तो कितना साल के end में? 9,000 B को bank को देना पड़ेगा. So जो difference है 5,000, ये क्या है? Profit of bank. प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक. सो प्रॉफिट के लिए काम करती है कमर्शियल बैंक्स. जिनको लोन चाहिए उनको देती है, और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो पैसा रखते हैं बैंक के पास इंटरेस्ट के लिए, और इंटरेस्ट के डिफरेंस का पैसा बैंक कमाती है. सो मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक. थर्ड, सेंट्रल बैंक. इट इज बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट्स बैंक. कमर्शियल बैंक का भी माई बाप कौन? सेंट्रल बैंक. इट्स बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट्स बैंक. गवर्नमेंट की बैंक भी कौन है? सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक, इट डील्स डायरेक्टली विद पब्लिक. कमर्शियल बैंक डील्स डायरेक्टली विद पब्लिक. पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील करती है. फोर्थ, सेंट्रल बैंक्स मेन एम क्या है? वेलफेयर. प्रॉफिट मेकिंग नहीं, वेलफेयर, भलाई. स्टेबलाइज प्राइस, कंट्रोल मनी सप्लाई. मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबलाइज करना. एंड वेलफेयर इज द मेन एम ऑफ सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स मेन एम इज प्रॉफिट मेकिंग. सेंट्रल बैंक, it has monopoly to print and issue currency notes. 1 rupee के अलावा बाकी करेंसी सेंट्रल बैंक ही प्रिंट करती है और इशू भी करती है. कमर्शियल बैंक has no such rights to print or issue currency notes. 6, सेंट्रल बैंक controls credit. बहुत important point. ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक. जबकि क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक. ये क्रेडिट क्रिएट किया ना उसने. सो कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, जबकि सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट. 7 points. इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सी है? इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक. जबकि इंडिया में काफी कमर्शियल बैंक्स है, जैसे ICICI, SBI, कैनरा बैंक एक्सेट्रा. तो यदि मुझे आपको पूछा जाए कि हु कंट्रोल्स क्रेडिट, तो बोलना सेंट्रल बैंक. हु क्रिएट्स क्रेडिट, तो बोलना कमर्शियल बैंक. हु इज द गवर्नमेंट्स बैंक और द बैंकर्स बैंक, तो सेंट्रल बैंक. एंड विच बैंक डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक?
तो कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। जबकि सेंट्रल बैंक का मेन एम क्या है? वेलफेयर, स्टेबलाइज प्राइस एंड कंट्रोल मनी सप्लाई। प्रिंट और इशू करेंसी नोट्स कौन कर सकता है? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है।